कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ितों के परिवार से मिलकर उनका दुख जाना। राहुल गांधी का अलीगढ़ में पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें राहुल गांधी को परिजनों से बैठकर बात करते हुए और उनकी तकलीफों को सुनते हुए देखा जा सकता है। राहुल जहां बैठे हैं उनके आसपास लोगों की भीड़ खड़ी है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता ध्यान से सभी की बातों को सुन रहे हैं और उनके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा देने की मांग की है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो मैं इसको कोई राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई है, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। राजीव तो क्या था सवाल, ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। देखिए परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करूँ।